बैगन का भरता जब भी बनाते हैं ना, गैस थोड़ी सी खराब हो जाती है उसके भूनने के प्रोसेस में। मैंने सोचा चलो आज आपके साथ क्यों ना एक इंस्टेंट सा तरीका शेयर करूं, जिससे ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा और आपका गैस भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैगन लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसके स्किन को मैंने छील लिया है और इसे कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। थोड़े बड़े बड़े से ही पीसेस रख लिए हैं। और मैंने यहाँ पे एक टमाटर भी लिया था इसके साथ, इसको भी मैंने 1/2 करके चॉप कर लिया था। अब एक कुकर लेंगे, इसमें मैंने मस्टर्ड का ऑयल लिया है थोड़ा सा, इसमें ऐड किया है जीरा, 2 मिर्ची और थोड़ा सा भूनकर मैंने इसमें टमाटर और ये बैगन को ऐड कर दिया। 5 मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर भून लिया था। इसको भूनना थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा ये भून जाएगा ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। कई बार क्या होता है गैस की जो बर्नर्स है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं ये तरीका कभी कभी अपनाती हूँ। बहुत अच्छा भी लगता है और स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से भून गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे मैंने 2 से 3 विसल दे दिया था। ये बहुत जल्दी गल जाता है। और तब तक मैंने यहाँ पे प्याज और कुछ लहसुन को काट लिया है, बारीक सा ही चॉप कर लिया था। और मैं यहाँ पे अदरक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गार्लिक का यूज़ कर रही हूँ। बैगन तो अच्छे से पक गया था, बस अभी कुकर थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर रही थी मैं। तब तक मैंने सोचा चलो टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा तब तक रेस्ट भी हो जाएगा जब तक अपनी सब्जी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बैगन और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। मैंने जो टमाटर के ऊपर की स्किन है ना उसे निकाल लिया था। और बस अभी हम यहाँ तड़का लगा लेते हैं फाइनल वाला। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इसे अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेंगे। तब तक मैंने यहाँ पे धनिया और जीरा को कूट लिया था। यकीन मानिए ये अगर आप ट्राई करेंगे ना बैगन के भरते में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके बैगन के भरते का। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ऑयल गर्म हो गया था ऐड कर दिया था धनिया, जीरा और ये गार्लिक और थोड़ी सी हींग ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमें जो गार्लिक है उसे ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज का जो कच्चापन है वो सारा निकल जाना चाहिए और प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउनिश होने लगे तब तक हम इसे भून लेंगे। और ये प्याज अच्छे से जब भून जाएगा, आप चाहो तो इस टाइम पे टमाटर भी और ऐड कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया है। इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये बैगन का भरता। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, मतलब सारे मसालों के साथ करीब 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसे ढक कर कम से कम 5-7 मिनट पका लेंगे और ये जो थोड़ा सा लिक्विड ही है ना वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो बैगन का भरता है वो बिल्कुल रेडी है। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया। अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो इसकी कोई भुनाई ही नहीं की, तो फिर भुना टेस्ट कैसे आएगा? तो भुना टेस्ट आएगा जलते हुए कोयले से। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे रख दिया था एक प्याज। अगर आपको प्याज नहीं रखना है तो कटोरी रख लो। और यहाँ पे जलता हुआ कोयला, इसमें हम ऐड करेंगे बटर या फिर घी और 5 मिनट के लिए रख देंगे। इतना अमेजिंग फ्लेवर आएगा ना कि मैं बता नहीं सकती। पूरी खुशबू ना पूरे घर में किचन में फैल गई थी और इतना अमेजिंग इसका टेस्ट लग रहा था कि आपको काश मैं आपको टेस्ट करवा पाती। तो बस सब्जी तैयार है, अभी हम जल्दी से पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल पराठे बनाए। तो ये ट्रायंगल पराठे ना मेरे घर पे सभी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जो पराठे हैं वो बिल्कुल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लिया है। पहले तो हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा और घी लगा लिया था। और ये इतने अच्छे फूलते हैं और इतनी सारी उसकी लेयर्स आती है ना, बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुलायम सॉफ्ट ये पराठा बनता है। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट भी बना था और इसकी लेयर्स भी बहुत सारी आती हैं। तो यहाँ पे अभी थाली लगा लेते हैं। तो आप भी ट्राई करो इस तरीके से एक बार बैगन का भरता, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे पराठे रेडी है, साथ में प्याज और थोड़ा सा एक नींबू। इसके साथ राइस की कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग मील था आज का। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप एक बार ज़रूर ट्राई करो, मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये पराठे भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और इतने ज़्यादा इसकी लेयर्स थी ना कि बस आपको ऐसे लगेगा कि आप लच्छा पराठा ही खा रहे हो। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ मैं जल्दी, बाय।